अपने बहू बेटे से लेकर दामाद तक को सरकारी नल जल योजना में ठेका देने के आरोप से घिरे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास तलब किया है। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त देखिए तारकिशोर प्रसाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अंदर मुलाकात कर रहे हैं और साफ तौर पे तारकिशोर प्रसाद को सीएम आवास बुलाया गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तारकिशोर के कारनामे उजागर होने के बाद नीतीश कुमार खासे नाराज हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि तारकिशोर प्रसाद के कारनामे के खुलासे के बाद नीतीश कुमार नाराज हैं। जेडीयू के एक सीनियर लीडर ने बताया कि पहले से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास तारकिशोर प्रसाद के कई कारनामों की खबरें पहुंची हैं, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है उससे सरकार की फजीहत हो रही है, लिहाजा नीतीश कुमार ने अपने डिप्टी सीएम को तलब कर लिया है। खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने तारकिशोर प्रसाद को कहा है कि ये पब्लिक फोरम पर अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर सफाई दें। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी आलाकमान को भी कहा है कि वो हस्तक्षेप करें और तारकिशोर प्रसाद को कहें कि वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर जनता के सामने जवाब दें। गौरतलब है कि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर अपने परिजनों को नीतीश कुमार के साथ निश्चय की योजना नल जल योजना का बड़े पैमाने पर ठेका दिलवाने का आरोप लगा है। आरोप ये भी लगा है कि तारकिशोर के संबंधियों को जो ठेके दिए गए उनका काम पूरा करने में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। तो नीतीश कुमार ने इस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास तलब किया है। जिस तरह से आरोप लगे हैं तारकिशोर प्रसाद पर, उन्होंने अपने बेटे बहू से लेकर के दामाद तक को जो है उस सरकारी योजना जो नल जल योजना है उसमें करोड़ों रुपए की ठेकेदारी जो है दी है, जिसको लेकर के आरोप लगे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार जो है इस मामले को लेकर के उन्होंने बातें कही, बयान उनका आया और आज बाकायदा तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने साफ तौर पे तारकिशोर प्रसाद के उस पूरे मसले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब जानते हुए भी चुप हैं। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते, उनमें हिम्मत ही नहीं है। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने अपने पूर्व प्रत्याशी को भी बैठा करके कहा कि मेरे पूर्व प्रत्याशी ने इससे पहले भी इस बात का खुलासा 2020 में ही किया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन देखिए नीतीश कुमार इस वक्त जो है तारकिशोर प्रसाद को उन्होंने तलब किया है और एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त बैठक चल और सीधे तौर पर हाई लेवल मीटिंग कह सकते हैं, क्योंकि तारकिशोर प्रसाद और नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं। क्या कुछ निकल के आएगा हम सीधे आपको बताएंगे। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ।